पुलिस की छत्र छाया में चल रहे हैं जुए के अड्डे। मेरा और कोई बोल रहा है दस दिन रुको ना। लमन न्यूज की मैराथन। इन दिनों भारतीय सभ्यता की दुहाई देने वालों को लगातार मौके मिल रहे हैं। दो बहुत ही संवेदनशील विषय इन दिनों चर्चा में हैं। पहला, समलैंगिक रिश्तों को सुप्रीम कोर्ट का विरोध, और दूसरा, लिव इन रिलेशनशिप। कहने को तो दोनों का संबंध पाश्चात्य संस्कृति से है, लेकिन भारत में भी इन रिश्तों को मानने वालों की कमी नहीं है। हाईकोर्ट के फैसले को पलटते हुए सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिक रिश्तों को नकार दिया, जबकि जमात इस्लामी जैसे संगठन लिव इन रिलेशन के खिलाफ सभी धर्मावलंबियों को एकजुट कर रहे हैं। सामाजिक संरचना की नींव तक हिला देने वाले इन्हीं दोनों संबंधों पर होगी आज मुद्दे की बात, रिश्तों की कशमकश। नमस्कार, मैं हूं सैयद सलमान और आप देख रहे हैं मुद्दे की बात। मुद्दे की बात में आप सभी का स्वागत है। इस खास कार्यक्रम में आज हम चर्चा करेंगे रिश्तों की कशमकश पर। हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ेंगे, हमारे साथ कांग्रेस की वुमेन सेल की मेंबर नीता मिश्रा जुड़ेंगी, हमारे साथ हैं इस वक्त हैं सुधीर कावा साहब हैं जो हमारे कांग्रेस के युवक कांग्रेस के नेता हैं, साथ ही हमारे साथ संजय शुक्ला जी हैं जो हेल्थ केयर फाउंडेशन से जुड़े हुए हैं और समाज सेवी हैं, वो हमारे साथ बात करेंगे। साथ ही हमारे साथ कुछ ही देर में डॉक्टर प्रिया पौडवाल भारतीय जनता पार्टी की, और गे ट्रस्ट बॉम्बे से जुड़ेंगे हमारे साथ नक्षत्र बागवे जी। फिलहाल हम बात शुरू करते हैं उन दो अतिथियों से जो हमारे साथ स्टूडियो में हैं, सुधीर कावा और संजय शुक्ला। संजय शुक्ला जी, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है, सुधीर जी आपका भी। हम लोग बात शुरू करें इससे पहले सुधीर साहब, हम आपको बता दें कि जिस तरीके से आप एक निर्णय आया सुप्रीम कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिकता को धारा 377 को आईपीसी के उसे कायम रखा, और हाईकोर्ट ने एक फैसला दिया था समलैंगिकता को उन्होंने जायज करार दिया था, सुप्रीम कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया और उसे अवैध करार दिया है, अपराध की श्रेणी में ले आए हैं। लेकिन कांग्रेस के तमाम बड़े नेताओं की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर निराशा जताई गई है, ये इसे किस रूप में कांग्रेस और कांग्रेस का आम कार्यकर्ता लेता है, ये हम आपसे जानना चाहेंगे। सुधीर जी। सलमान जी, मेरा कहने का मतलब तो सर साफ यही है कि सोनिया गांधी जी ने जो कहा है और तमाम हमारे पार्टी के जो नेताओं ने कहा है, जो भी इस पे उन्होंने अपना विचार व्यक्त किया है, वो दरअसल सही है। अगर बात करेंगे अधिकार की और अधिकार देने की बात करेंगे तो अधिकार सबको मिलना चाहिए। हम अधिकार में मतभेद क्यों करें कि इनको ही सिर्फ अधिकार मिले और बाकी जो इससे जो पीड़ित है उनको अधिकार नहीं दिया जाए। यानी अधिकारों की इसे आप इसे कॉमन मैन के अधिकारों से जोड़कर देखते हैं। इस बीच हमारे साथ हमारे अपने सहयोगी अवनिंद्र आशुतोष जी भी जुड़े हैं जिन्होंने इस विषय पर काफी लोगों से के बीच गए, उनकी प्रतिक्रियाएं भी ली थी। आशुतोष जी आपका भी स्वागत है, हम आपके पास आते हैं, उससे पहले हम संजय शुक्ला जी से बात कर लेते हैं। संजय जी, आप सामाजिक संरचना में जुड़े हुए हैं, आप ऐसी सरजमी से आते हैं जहां पर कहा जाता है कि संस्कृति रचती बसती है, उत्तर प्रदेश की धरती से आए हैं, न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि भारत भर में समलैंगिकता और लिव इन रिलेशनशिप पर आपने क्या देखा, आपने क्या पाया है, लोगों की क्या मान्यता है, पहले हम इस पर बात करते हैं फिर आते हैं विषय पर।
जैसे कि हमारे मित्र श्री सुधीर कावा जी कह रहे हैं कि हमारी श्री सोनिया गांधी जी ने कहा कि समलैंगिकता का अधिकार सबको मिलना चाहिए, एक आम आदमी का अधिकार उसे मिलना चाहिए, लेकिन एक छोटा बच्चा भी किसी ऐसे खिलौने के लिए जिद करता है जो कि उसके लिए अच्छा नहीं है, वैसे ही अगर समाज का कोई प्राणी ऐसी चीज की मांग करे जो समाज के लिए नुकसानदायक हो, जो हमारे संस्कृति के ऊपर एक कलंक हो या हमारे संप्रदाय से एकदम विरुद्ध हो, ऐसी चीजों को मान्यता देने से हम अपने समाज को बहिष्कृत करते हैं, दूषित करते हैं। सामाजिकता कहीं ना कहीं सामाजिक ताना बाना चरमराता है। ये चीजें अभी भारत में इतने वर्षों के इतिहास को पलट कर देखा जाए तो पूरी तरह से पाश्चात्य संस्कृति को अपनाने में कहीं ना कहीं भारतीय संस्कृति को परहेज रहा है। संजय जी, आप यही कहना चाहते हैं? हमारी संस्कृति से ही आज पूरा विश्व चल रहा है, हम अगर उनकी संस्कृति अपनाने लग गए तो हम अब उनके पीछे भागेंगे, यानी अब ये भीड़ चाल हो जाएगी पाश्चात्य संस्कृति के पीछे भागना। हाँ। कहीं ना कहीं अपनी संस्कृति के साथ ये अन्याय होगा, ऐसा कॉमन मैन को लगता है, आपको लगता है, आम आदमी को लगता है, यही ना। हम चलते हैं अपने अपने सहयोगी अवनिंद्र जी के पास। अवनिंद्र जी। जी शर्मा जी बोलिए। अवनिंद्र जी, इस बीच आपने देखा दो प्रतिक्रियाएं, हम अपने दर्शकों को बताते चले कि एक समलैंगिकता पर काफी बहस छिड़ रही है, खासकर चर्चा में कांग्रेस पार्टी की नीतियों की वजह से ये ज्यादा चर्चा में आई है, क्योंकि सोनिया जी ने, राहुल गांधी ने, प्रिया दत्त ने और अन्य लोगों ने, वो मिलिंद देवरा हो, कपिल सिब्बल हो, कांग्रेस के अधिकांश बड़े नेताओं की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को लेकर एक नाराजगी जताई गई है, कहीं ना कहीं वो निराश हुए हैं और इसे जो लोगों की आजादी है, स्वतंत्रता है, इस पर कहीं ना कहीं उसे हनन मान रहे हैं। हाईकोर्ट के फैसले के बाद उसे जिसे जायज करार दिया गया था, सुप्रीम कोर्ट ने उसे नाजायज करार दिया है। अब स्थिति यह है कि इसमें राजनीतिक दल अभी तक कूदे नहीं है, हालांकि कांग्रेस के लोगों ने जब बयान दिया है तो वो कटघरे में जरूर खड़े हो गए हैं। ढके छुपे लफ्जों में कई दल चाहते हैं समर्थन करना भी, नहीं भी करना, लेकिन चूंकि सुप्रीम कोर्ट का ये निर्णय भारतीय जनता पार्टी के एक नेता की रिट पर आया है, इसलिए शायद भारतीय जनता पार्टी फूक फूक कर कदम रख रही है। हम इस विषय पर कुछ और नेताओं से बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आमजनों की प्रतिक्रिया आपने क्या देखी अवनिंद्र जी? आमजनों की अगर हम बात करें सलमान जी, तो उन्होंने साफ साफ मैक्सिमम लोगों ने नकार दिया है, क्योंकि 25 लाख लोगों की संख्या है जो समलैंगिकता के रिश्ते को मानते हैं, और निश्चित रूप से भारत की जो परंपरा रही है, संस्कृति रही है, और जो सबसे बड़ा सवाल है सलमान जी, हमने ये देखा, हमने ये महसूस किया कि संस्कार की जो परंपरा रही है, संस्कार देने की, उसमें काफ़ी कमी आई है, और यही कारण कि इस दिशा में इस रिश्ते को लोग अपनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इमोशनल सपोर्ट जो घर परिवार से मिलता है उसमें अगर कमी आती है तो निश्चित रूप से लोग प्राइवेसी चाहते हैं और एक ऐसे रिश्ते को तलाशते हैं जिसकी जो बुनियाद है वो सही नहीं होती है। लेकिन आज उनकी संख्या 25 लाख है और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को वो मान नहीं रहे हैं, लेकिन आम आदमी की अगर हम बात करें, आम परिवार की बात करें, तो उनका साफ कहना है कि ये रिश्ता बिल्कुल नागवार है और आने वाले समय में इससे गलत संदेश जाएगा, खासकर युवाओं को लगेगा कि ये फैशन नहीं, ये परंपरा है। तो निश्चित रूप से इस परंपरा को जिंदा रखने के लिए भारतीय संस्कृति को जोड़कर लोग देख रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खुलकर स्वागत कर रहे हैं, तो बहुत कम ही लोग हैं जो इसका समर्थन कर रहे हैं, और निश्चित रूप से जिस तरह से लेकिन अवनिंद्र जी, एक बड़ी रोचक बात आई है कि इस देश की शासक पार्टी कांग्रेस पार्टी, जिसने वर्षों का जिसका इतिहास रहा है, जिसकी सरकार है वर्तमान में केंद्र में, उस सरकार की मुखिया ने, उस कांग्रेस की जिसकी सरकार है, उस पार्टी की मुखिया ने, माफ कीजिएगा, उस पार्टी की मुखिया सहित उनके सुपुत्र जो उपाध्यक्ष भी है, उसके साथ साथ कांग्रेस के अधिकांश सांसदों ने और मंत्रियों ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर अपनी कुछ अलग राय रख दी है जो आम जनभावनाओं से हटकर है। एक तरफ अगर दूसरे नजरिए से देखा जाए तो आम जनों की राय से हटकर अपनी राय को रखना भी जरूर कांग्रेस के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण बात रही होगी कि उसने इस निर्णय को लिया है, क्योंकि अगर संख्या बल के आधार पर देखा जाए तो समलैंगिकों की संख्या बड़ी कम है, लेकिन उसके बावजूद उस हक में आवाज उठाई है, तो कांग्रेस की एक इसे नीति कहें या उसका बड़प्पन कहें, जो भी कहें, लेकिन कैसे कांग्रेस की क्या ऐसी मजबूरी रही होगी कि कांग्रेस को सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से निराशा हुई और उन्हें प्रतिक्रियाएं देनी पड़ी, ऐसी क्या चीज रही होगी?
देखिए अभी जिस तरह से कांग्रेस को प्रतिसाद मिला है चार राज्यों में, तो कहीं ना कहीं से उसकी हालत बहुत ही खराब हो गई सलमान जी। और अभी जो जो बयान आया है सोनिया गांधी की तरफ से या कांग्रेस के नेताओं की तरफ से, ऐसे में साफ महसूस किया जा रहा है कि खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे और कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं कांग्रेस के पास, इसलिए ऐसे समूह का वो कहीं ना कहीं से सपोर्ट करने की कोशिश कर। ये अगर संख्या बलकर अगर जिस आप भी पत्रकार हैं, आप जनता में रहते हैं, आपने देखा होगा नेताओं के बयान बड़े संभल संभल कर आते हैं, खासकर वो बड़े तोल मोल कर बोलते हैं ऐसे समय में जब संख्या के आधार पर देखा जाए ये बहुत बड़ी संख्या नहीं होगी, इस देश में ऐसे लोगों की संख्या कम होगी। हाँ, ये सड़कों पर उतरकर विरोध करने की इनकी ताकत होती है, तो क्या इस विरोध से घबराई हुई लगती है कांग्रेस? बिल्कुल, कांग्रेस को पता चल गया है कि आने वाले दिनों में अगर उसने सही ढंग से लोगों को नहीं संभाला तो कहीं ना कहीं से आने वाले दिनों में बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। और निश्चित रूप से अगर हम समलैंगिकों की बात करते हैं सलमान जी, तो 25 लाख का आंकड़ा हमारे सामने आया है और निश्चित रूप से 25 लाख का आंकड़ा इस वर्ष इस भारत देश में कोई बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता। लेकिन कांग्रेस लेकिन आशुतोष जी, ये जोड़ और घटाने का खेल होता है, हम आते हैं आपके पास संजय जी। इसे कांग्रेस के नेताओं के बयान के आधार पर हम कोशिश करेंगे कि जमात इस्लामी के एक सम्मानित सदस्य को हमारे साथ होना था, किन्हीं कारणों से वो हम तक नहीं पहुंच पाए, स्टूडियो नहीं आ पाए हैं, हम जरूर उन लोगों से भी संपर्क करेंगे। पिछले दिनों एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से लिव इन रिलेशनशिप पर भी उन विरोध जताया था उन्होंने, मथुरा के एक कोर्ट का हवाला देते हुए कि एक महिला ने इस मामले में अपने साथी पुरुष पर गुजारा भत्ता के लिए और उनसे उनकी जायदाद में हक मांगा था और मथुरा कोर्ट ने उसे हक दिया। इस पर हो गया है कि बिना शादी के, बिना वैवाहिक संबंधों के कैसे एक महिला किसी पुरुष से अपना हक अधिकार मांग सकती है। तो ये दोनों चीजें बड़ी गटमट है, रिश्तों की कश्मकश है, एक तरफ पुरुष पुरुष महिला महिला और दूसरी तरफ अगर पुरुष महिला के संबंध है भी तो वो गैर विवाहित है, तब रिश्ते अटपटे से लगने लगते हैं समाज को। पर ये जिस तरह से की स्थितियां बनती हैं तब क्या हो, कैसे हो और समाज पर इसका क्या असर जाएगा? एक तो ये गैर सामाजिक संबंध है जिसके जिम्मेदार दोनों बनते हैं, पुरुष और वो स्त्री दोनों, क्योंकि एक शादीशुदा पुरुष के साथ में लिविंग रिलेशनशिप में रहना उसने अगर स्वीकार किया तो ये भी एक गुनाह ही है उसके संतान के प्रति, जो उस पुरुष की संतान है, जो उसकी जो पत्नी है, उसके परिवार के प्रति, उनके परिवार के सम्मान को ठेस पहुंचा, अब उसे मुआवजा दिया जा रहा है जिसका संबंध ही गैर सामाजिक है और जो सामाजिक है उसे असंवैधानिक करार दिया जा रहा है। मतलब जिसे मिलना चाहिए मुआवजा उसे मुआवजा ना देके आप मुआवजा उसे दे रहे हैं जिसे बहिष्कार करना चाहिए। तो मेरे हिसाब से तो सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए आपको? हाँ। लगता है, लेकिन देखिए इस देश में प्रेम से रहो, प्रेम से जियो, इस तरह की स्थितियां भी तो रही हैं, तो वो तो प्रेम से रहने वाले लोग हैं, एक दूसरे को समझने के लिए शायद लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं। लिव इन रिलेशनशिप जो ये शब्द है ये कुंवारों के लिए, शादीशुदा लोगों के लिए लिव इन रिलेशनशिप नहीं है, दो कुंवारे जब एक साथ रहते हैं तो उसे लिविंग रिलेशनशिप कहा जाता है। तो क्या वो नहीं रह सकते साथ? दो कुंवारे एक साथ रह सकते हैं लिविंग रिलेशनशिप में। तो वो जब रहते हैं तो इसमें समाज पर क्या असर पड़ेगा, समाज इसे किस रूप में लेता है? पहले समाज समाज के दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये असंवैधानिक है, परंतु अब ये प्रेम का अगर प्रसंग किया जाए, अगर वो प्रेम करते हैं एक दूसरे से, एक दूसरे से उनको सच्चा प्रेम है, तो प्रेम के लिए तो भाई हमारे हमारे पुराणों में वेदों में सब जगह जी जी प्रेम प्रेम के लिए बहुत सारे शब्द हैं, प्रेम के लिए बहुत सारी परिभाषाएं हैं, उस प्रेम की परिणति वो विवाह से मत बनाकर भी कर सकते हैं, लेकिन लिव इन रिलेशनशिप उनकी क्या मजबूरी है या उनका शौक है या वो एक नए शब्द गढ़ लिए गए हैं, ये इस पर हम आएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। चर्चा अभी जारी है, सुधीर कावा साहब, संजय शुक्ला जी और अवनींद्र आशुतोष जी हमारे अपने सहयोगी शो में बने हुए हैं, ब्रेक के बाद हम लौटते हैं, कहीं जाइएगा नहीं। परपुरुष माझ्या अब्रूशी खेळतो आणि माझा नवरा नामरदपणे हे सगळं बघतो। काय वेड लागलंय तुला? हो मला वेड लागले। रोसालिन रहे जहां दर्द न रहे वहां।
हाउसार्स आयुर्वेदिक रोसालिन मालिश तेल। ऐसा घर आपने नहीं देखा होगा, संभाल के पोछा मारा अभी आइए। ओ भाई साहब ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रन रूम, देखिए कितना बड़ा है, आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे। हो गया मजे ले लिए आइए। और यह है बेडरूम, इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं, तारे। आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हूँ? अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर, हम जानते हैं कि घर अरमान उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना। क्या आपकी गाड़ी कमाई हो गई बर्बाद? फ्रॉड कंपनियों ने लूट ली आपकी जिंदगी भर की कमाई। ना फॉर्मेट कंपनी का है, ना इनविटेशन लेटर कंपनी का है, ना कोई कंपनी के प्रॉपर चैनल्स हैं, और फिर भी कंपनी कहती है कि हमने प्राइवेट प्लेसमेंट्स की है। तो हम लड़ेंगे आपके हक की लड़ाई। लेमन न्यूज आगाह कर रहा फ्रॉड कंपनियों के बारे में। सेबी ने कंपनी को दबोच लिया। देखिए स्कैम्स एंड फ्रॉड सिर्फ लेमन न्यूज पर, दोपहर 2:30 बजे और शाम 7 बजे। जो पब्लिक कैंडिडेट की बात होगी तो वो चयन इस तरह करेंगे या आपका अपना कोई तरीका होगा? लोगों को मोहब्बत की राजनीति सिखाए, अगर ऐसे में लोग जीत सकते हैं तो देश में उम्मीद है, अच्छे लोग आ सकते हैं और अच्छा काम कर सकते हैं राजनीति। कपिल सिब्बल और दिग्विजय सिंह ने हमने यही कहा था कि अरे हिम्मत है तो हमारे सामने चुनाव जीत के दिखाओ, तो रिजल्ट क्या है आपके सामने है। क्या दिल्ली के बाद महाराष्ट्र में भी दिखेगा आम आदमी पार्टी का दम? जानने के लिए मिलिए मयंक गांधी से, देखिए फेस टू फेस सैयद सलमान के साथ शनिवार शाम 6 बजे और रात 11 बजे सिर्फ लेमन न्यूज पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मुद्दे की बात में। मुद्दे की बात में हम चर्चा कर रहे हैं रिश्तों की कश्मकश पर, रिश्तों उन रिश्तों की जो समलैंगिक हैं, वो रिश्ते जो लिव इन रिलेशनशिप के नाम से जाने जाते हैं, वो रिश्ते जो समाज में स्वीकार नहीं किए जाते, लेकिन समाज के विपरीत जाकर भी उन रिश्तों को निभाने वालों की एक बड़ी तादाद है। खासकर अगर हम समलैंगिकों की बात करें तो हमारे अपने संवाददाता, हमारे अपने सहयोगी अवनींद्र आशुतोष जी ने जो आंकड़े इकट्ठा किए वो लगभग 25 लाख के आसपास है। समलैंगिकों की बात हो रही थी, लिव इन रिलेशन की बात हो रही थी। एक व्यक्ति हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो पिछले दिनों भी हमारे साथ चर्चा में हिस्सा ले चुके हैं। हम उनके जरिए भी उनकी अपनी भावनाएं भी आप लोगों तक पहुंचाना चाहेंगे। हमारे साथ नक्षत्र भागवे जी जुड़े हैं जो गे बॉम्बे ट्रस्ट से के कर्ता धरता है। नक्षत्र जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया, सबसे पहले माफी चाहूंगा कि देरी से ज्वाइन करने के लिए। नहीं नहीं कोई बात नहीं, नक्षत्र जी देर आए दुरुस्त आए। बिल्कुल नक्षत्र जी, पिछले दिनों भी बात हो रही थी चर्चा में, एक थोड़ा सा एक्सटेंशन हमने लिया है और आपसे बेहतर व्यक्ति नहीं हो सकता था उन बातों को भी समझाने के लिए। दो बातें हैं, एक समलैंगिकों की बात हो रही थी जिस पर आप लोग तैयारी कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ आगे जाने की, आपसे जुड़े हुए आपके सहित और कई संगठन। दूसरा एक मुद्दा भी आया है इसी के साथ साथ जो मेल खाता हुआ है, लेकिन थोड़ा सा चूंकि वो स्त्री और पुरुष के बीच की बात है वो भी चर्चा में आया है, सामाजिक और असामाजिकता के बीच का है, वो है लव रिलेशनशिप का, जिसे लिव इन रिलेशनशिप का दर्जा दिया गया है, जो बिना विवाह के एक परिवार की तरह एक घर में रहते हो। ये इन मुद्दों को लेकर अगर समाज के नजरिए से देखा जाए, हमारे साथ संजय शुक्ला जी हैं कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए, हमारे साथ सुधीर कावा जी हैं, अवनींद्र आशुतोष जी अपनी एक राय रख रहे हैं, आप इन दोनों रिश्तों को, समलैंगिकता को और लिव इन रिलेशनशिप को किस रूप में लेते हैं? ये दोनों मुद्दों के ऊपर बात करने से पहले मुझे आपके चैनल द्वारा इन सब जो इस शो में शो का हिस्सा है उनको और इस समाज को जो आपका चैनल देख रहे हैं उनको एक मैसेज देना है कि जो सब लोग सोचते हैं कि जब ये डिसीजन आया तो हम लोग वापस छुप जाएंगे और बाहर नहीं आएंगे, बट जो रिजल्ट देख रहे हैं पूरा शॉकिंग है, उन सबके लिए एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल जा रहा है कि हम खुले तौर से बाहर आ रहे हैं। आप ये जो रिबन देख रहे हैं मेरे हाथ में वो प्रोटेस्ट का साइन है,
और ये हम लोग बिल्कुल नहीं रुकेंगे जब तक हमें अपना जस्टिस नहीं मिलता हमारी अपनी कंट्री में। सो अभी आगे तक आया है, वापस नहीं जाएंगे, भले जेल में डालो, मार डालो, कुछ भी करो, बट अपने हक के लिए हम लोग लड़ना नहीं। जी नक्षत्र जी, कुछ वर्षों पहले तक ये मामला था कि आपके अपने समाज से जुड़े हुए लोग, चूंकि एक सामाजिक संरचना आप लोगों ने अपने भीतर भी कर ली है समलैंगिकों की, लोग मीडिया में आने से कतराते थे, लेकिन आप लोग बधाई के पात्र हैं कि आप लोग चाहे समाज आपको अच्छा कह रहा हो, बुरा कह रहा हो, आप लोग सामने भी आ रहे हैं, अपनी बातें भी रख रहे हैं, न सिर्फ अपनी बातें रख रहे हैं बल्कि स्टूडियोज, कोर्ट कचहरी सभी जगह आप लोग जाने को तैयार भी हैं। तो ऐसी परिस्थितियों में आज की जमाने के लिहाज से अगर कोई बात बनती है आप लोगों के खिलाफ तो आप लोग कोर्ट भी जा रहे हैं, लेकिन इन दोनों रिश्तों को अगर आपको अपने समाज के खिलाफ जो लोग आपका विरोध कर रहे हैं उन्हें समझाने के लिए किन मुद्दों का सहारा लेते हैं, किन तर्कों का आप लोग सहारा ले सकते हैं? मुझे लगता है ये डिबेट है दो हिस्सों में बट सकती है, एक तो है एक सांस्कृतिक पार्ट है मतलब रिलीजियस पार्ट, और एक होगा साइंस का, और मुझे दोनों मुद्दे पर बात करना अच्छा लगेगा। जी जी, रिलीजियस के हिसाब से मुझे लगता है कि समलैंगिकता पूरे विश्व में है, ऐसा नहीं है कि वो भारत और इसके लिए एक्सेप्शन नहीं बन सकता, चाहे लोग कितना भी चिल्लाए कि भारत में ऐसी चीज़ें नहीं आ सकती, ये पूरे वर्ल्ड में है, तो आप ये नहीं भूल सकते कि ये भारत में नहीं हो सकता, आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, आप सच्चाई से भाग नहीं सकते। दूसरी चीज़ मुझे बोलना है कि अमेरिकन साइकोलॉजिकल इंस्टीट्यूट हो या कैनेडियन साइकोलॉजिकल इंस्टीट्यूट हो, इन्होंने खुलेआम तरीके से बोला है कि समलैंगिकता एक मानसिक विकृति नहीं है। तो मुझे नहीं लगता कि आज के 21वें सदी में इंडिया में जो है मेरे जैसे यंग नौजवानों की ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन है, मुझे नहीं लगता वो लोग धर्म और कर्मकांड के ऊपर विश्वास रखते हैं जितना वो साइंस के ऊपर रखते हैं। मतलब दोनों चीज़ों को आप लोग मानते हुए, धर्म को भी मानते हुए और साइंस को भी सहारा लेते हुए, एक और एक मुद्दा रखना है कि ये लोग बोलते हैं समाज के खिलाफ, समाज के खिलाफ कौन सा समाज, हम भी एक समाज का हिस्सा है, हम भी टैक्स भरते हैं, हम वो सब चीजें करते हैं जो एक रिस्पॉन्सिबल नागरिक को करनी चाहिए अपने समाज के लिए, पर जब हम आपके पास नक्षत्र जी, हम आपके पास आते हैं समलैंगिकता की से जुड़ी हुई बातें आप लोगों के लिए एक थोड़ी सी राहत की बात हो सकती है कि केंद्र में जो सरकार चल रही है कांग्रेस की नीतियों वाली, जिसका मुखिया कांग्रेस है उनके यूपीए की, वो उसके बड़े नेताओं के बयानात आप लोगों के हक में आए हैं, तो शायद ये मामला संसद में कुछ आप लोगों के हक में आ सकता है। हम खुश हैं कि उन्होंने हमें आश्वासन दिया है, और उससे जुड़े हुए सुधीर कावा जी हमारे साथ स्टूडियो में हैं, वो आपके पक्ष में कुछ क्यों कांग्रेस आपके पक्ष में उस पर कुछ प्रकाश डालेंगे। हमारे साथ नौशाद उस्मान साहब जुड़े हैं, शोधन पत्रिका के संपादक हैं, टेलीफोन लाइन से हम उनके साथ जुड़े हुए, उन्हें स्टूडियो में होना था किन्हीं कारणों से वो हम तक नहीं पहुंच पाए। जो दूसरा मुद्दा था, जिस मुद्दे को हमने एक्सटेंड किया है, वो मुद्दा लिव इन रिलेशनशिप का था। पिछले दिनों हम अपने दर्शकों को बताते चले कि पिछले दिनों जमाते इस्लामी ने सर्वधर्म के बड़े नेताओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं को और संगठनों को इकट्ठा कर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के, और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए लिव इन रिलेशनशिप के विरोध में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, लिव इन रिलेशनशिप को समाज के लिए खतरा बताया था। इस विषय पर हम जानना चाहेंगे नौशाद उस्मान साहब, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आप समलैंगिकता के भी खिलाफ जा रहे हैं, आप लिव इन रिलेशनशिप के भी खिलाफ जा रहे हैं, क्या इन दोनों मुद्दों को लेकर आपके पास कोई ऐसा तर्क है आप बता सकते हैं कि वो घातक है समाज के लिए और क्यों? नौशाद उस्मान, बात ऐसी है कि लिव इन रिलेशनशिप हो या फिर समलैंगिकता हो, उसका कारण एक ही है, वो ये है कि जिम्मेदारी से भागना। मतलब ये है कि विवाह जो है वो एक बंधन बन गया था समाज में, जो बंधन नहीं होना चाहिए था, वो एक ट्रीटी है, करार है, इस्लाम के अनुसार वो एक करार है, तो वो करार नहीं रहा, वो बंधन हो गया था, बहुत ज्यादा मुश्किलें पैदा हो गई थी विवाह के में, तो लोगों ने फरार हासिल किया, मतलब एक जो है परवाड़ जो मराठी में जो बोलते हैं वो निकाल दी, बायफर्गेशन एक निकाल दिया कि साहब ऐसा करो शादी ही मत करो। फिर उसके अंदर भी जो है कोर्ट ने जैसे फैसला किया, जिम्मेदारियां डाल दी कि साहब लिव इन रिलेशनशिप तो है लेकिन जिम्मेदारियों से आप भाग नहीं सकते, उसमें जो है प्रॉपर्टी में हिस्सा रहेगा वगैरह। तो फिर क्या किया कि अपने ही किसी पुरुष ने पुरुष के साथ रहना शुरू कर दिया कि भाई कोई पति नहीं कोई पत्नी नहीं, दोनों भी मर्द,
दोनों भी पत्नियां है ना, तो मतलब ये क्या है कि पति पत्नी की जिम्मेदारियों से भागना वगैरह, ये जो है अपनी जिम्मेदारियों से भागना, भले इसे प्रेम का नाम दे, वो मानव अधिकार का नाम दे, कुछ भी दे नक्षत्र जी जैसे लोग, लेकिन दरअसल में ये जिम्मेदारियों से भागना है। क्या बात है भाई, आप साथ में रह रहे हैं लेकिन एक 5 मिनट की फॉर्मेलिटी से आप डर रहे हैं, साथ फेरे नहीं ले रहे हैं, या कबूल है कबूल है कबूल है 3 बार नहीं बोल रहे हैं, या कोर्ट में जाकर तैयार है ना, अगर आप सेम सेक्स मैरिज का लॉ लाते हैं इंडिया में, तैयार है हम लोग वो कहने के लिए, दीजिए ना वो हक हमें, हम लोग कर लेंगे। नहीं 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 नक्षत्र जी, दो चीजें, दो मुद्दे हैं नक्षत्र जी, एक तो वैवाहिक, एक मिनट मेरी बात, नौशाद साहब एक मिनट, नक्षत्र जी की जिज्ञासा ये थी, समलैंगिक रिश्तों के बीच के विवाह पर जब बात होगी, अभी तो समलैंगिक रिश्तों को ही नकार दिया गया है, उनके विवाह की वो स्वीकार करने को नक्षत्र जी वगैरह तैयार है, लेकिन जो रिश्ते जिस तरह से मियां बीवी रहना चाहिए, उनके बीच में वैवाहिक संबंध होने चाहिए, लिव इन रिलेशनशिप का नाम देकर बिना विवाह के रहने वाले, बात इस पर हो रही है, तो क्यों ना नक्षत्र जी जैसे लोग लिव इन रिलेशनशिप पर भी सवाल उठाएं, क्योंकि वो भी तो बिना रिश्तों के ही रह रहे हैं, तो ये कौन सी सामाजिकता है कि आप नक्षत्र जी के ऊपर उंगलियां उठाएं और लिव इन रिलेशनशिप कबूल है? नहीं नहीं, दोनों चीजें गलत है, दोनों चीजें, लिव इन रिलेशनशिप भी गलत है क्योंकि उसमें महिलाओं के अधिकारों का हनन होने का बहुत ज्यादा चांस है, और क्योंकि महिला अगर उसमें डिफाइन नहीं किया गया कि कितने महीनों से रह रही है, 4 महीनों से रह रही है या 4 घंटे रह रही है, वो एक आध घंटा बिता दिया तो लिव इन रिलेशनशिप होगा या फिर 10 साल बिताए तो रिलेशनशिप होगा, डिफाइन नहीं है। और फिर क्या है कि इसके अंदर कई चीजें ऐसी है कि अभी डिफाइन होना है, इसलिए जो है विवाह को बहुत ज्यादा सोच समझ कर जो है वो परमात्मा ने धर्म ग्रंथों में इसे करार दिया है, समाज ने भी किया है, इसको अगर से पामाल करेंगे ये लोग मॉडर्निज्म के नाम पर तो समाज नहीं रहेगा। मुझे आश्चर्य की बात है कि सत्ताधारी जो सत्ता में लोग हैं वो भी इसका समर्थन कर रहे हैं, इस जैसे चीजों का मुझे अफसोस है, सत्ता में रहने वाले लोग इसका समर्थन कर रहे हैं, इसका अफसोस जता रहे हैं। संजय जी, संजय जी हमारे साथ संजय जी है, संजय जी अगर हम परंपराओं की बात कर रहे हैं, आप सुन रहे हैं नक्षत्र जी को, युवा पीढ़ी के लोग हैं बेधड़क बेझिझक इन संबंधों को न सिर्फ स्वीकार करते हैं बल्कि कोर्ट कचहरी तक जाने से पीछे नहीं हटते हैं, सरकार भी देखिए कितनी बोल्ड हुई है, केंद्र सरकार चलाने वाली कांग्रेस की मुखिया और उसके उपाध्यक्ष और केंद्र के कई मंत्री, जैसे कि हमने झड़ी लगा दी, हमने बताया, हम बल्कि दिखाते ही चलते हैं आपको वो बयानात। आप हमारे साथ सुधीर कावा साहब भी हमारे साथ जुड़े हैं कांग्रेस के पक्ष की बात रखने के लिए, हमारे साथ संजय जी है। नक्षत्र जी हम वो कुछ बयानात आपको सुनाते चले जो कांग्रेस के बड़े नेताओं ने दिए हैं, और साथ ही एक बयान और भी है जो चौंकाने वाला है, जो ट्वीट किया है श्री श्री रविशंकर ने, वो भी हम आपको दिखाते हैं और फिर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। मैं समलैंगिकों के अधिकारों पर दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को पलटने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले से निराश हूँ। समलैंगिकता निजी आजादी का मामला है और इसे बरकरार रखा जाना चाहिए। सरकार समलैंगिकता को अपराध के दायरे से बाहर लाने के लिए सभी विकल्पों पर विचार कर रही है। मुझे नहीं लगता कि ये एक सेंसिटिव इशू है, बल्कि इस बारे में बात करना जरूरी है। यह कानून 1869 में लाया गया था और अब समय आ गया है कि इस कानून में संशोधन किया जाए। मुद्दा समलैंगिकता के समर्थन का नहीं है बल्कि मानवाधिकार का है। भारत एक रूढ़िवादी देश है जहां कुछ लोगों पर कानून थोपे जा रहे हैं। गृह मंत्रालय और हेल्थ मिनिस्ट्री के बीच इस बात को लेकर कुछ मतभेद है और मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन हमने एड्स और सेक्स वर्कर्स के लिए काफी काम किया है और जानती हूँ कि एड्स सिर्फ समलैंगिकता के चलते नहीं होता है। हिंदू संस्कृति में समलैंगिकता को कभी अपराध नहीं माना गया। भगवान अयप्पा विष्णु एवं शिव से जन्मे थे। ये वो कुछ बयान थे जो कांग्रेस के बड़े नेताओं के थे। आपने देखा सोनिया जी का ट्वीट था, सोनिया जी का बयान था, प्रिया दत्त का था और अन्य लोगों का, और श्री श्री रविशंकर जी का भी बयान था। चूंकि हमारे साथ हमारे अपने सहयोगी अवनिंद्र जी भी जुड़े हैं, अवनिंद्र जी आप चर्चा में हिस्सा ले रहे, सभी लोगों को सुन रहे हैं, चलते चलते हम आपसे जानना चाहेंगे आप क्या देखा है, जनता की आम राय क्या है
ये आप बताएं हमें कि जनता सोचती क्या है और क्या कांग्रेस का समलैंगिकों के लिए दिया गया बयान कांग्रेस के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है या कांग्रेस की बेबाकी लोगों को पसंद आ सकती है। देखिए सबसे पहले आपको बता देंगे कि ये जो समलैंगिक रिश्तों को जो बुनियाद मानते हैं आधार बताते हैं सलमान जी वो गरीब घर के लोग गरीब लोग नहीं होते हैं वो पढ़े लिखे लोग होते हैं समझदार होते हैं और निश्चित रूप से जो आम आदमी है वो अपनी समस्याओं से घिरा हुआ है और ये जो नया संदेश जा रहा है उससे उनको बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। लेकिन कांग्रेस ने जिस तरह से सपोर्ट करने की कोशिश की है और निश्चित रूप से उसका जो संदेश जा रहा है पूरे देश में वो कहीं ना कहीं से उसको नुकसान ज़रूर पहुंचाएगा। लेकिन अगर हम आज़ादी की बात करते हैं अभिव्यक्ति की बात करते हैं तो उसमें कोई किसी का विरोध नहीं करता है लेकिन संस्कार और समाज को कहीं ना कहीं से विकृत करने की जो साजिश ठहराई जा रही है तो समलैंगिकता के खिलाफ लोग लगातार विरोध कर रहे हैं और यही कारण है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोग मान्यता दे रहे हैं मान रहे हैं। हालांकि ये कांग्रेस की मजबूरी है कि ऐसे समय में उसके पास कोई मुद्दा नहीं है और उसने इस मुद्दे को अलग तरीके से पेश करने की कोशिश की है जी। और लिव इन रिलेशनशिप पर क्या प्रतिक्रिया है लोगों की? देखिए लिव इन रिलेशन जो चीज़ है वो बदलते हुए वक्त का एक तकाजा है और निश्चित रूप से आज जो समाज में अलग अलग शक्तियाँ आ गई हैं अलग अलग जो समस्याएं आ गई हैं उससे लोग बचने के लिए उसका एक नया विकल्प जो तलाशने की कोशिश होती है चाहे वो शादीशुदा हो या फिर कुंवारे लोग हों तो पहले वो एक दूसरे को जानना चाहते हैं समझना चाहते हैं उसके बाद वो फैसला लेते हैं और यही कारण है कि एक समाज में एक नई क्रांति कह सकते हैं इसको और निश्चित रूप से आने वाले समय में इसमें और भी ज़्यादा बढ़ोतरी देखी जा सकेगी। जिस तरह से समाज उच्छृंखल होता जा रहा है इस चीज में बढ़ोतरी देखी जा सकती है। ये वैवाहिक बंधन में बंधने से बचने का एक खूबसूरत तरीका भी लोगों के लिए बन गया है। हो सकता है इसकी शुरुआत शायद इसी तरह से रही हो कि दो व्यक्ति विवाह से पहले एक दूसरे को समझ लें लेकिन स्थितियां ऐसी बनती गई कि ये मामला प्रेम से बढ़कर कुछ ज़्यादा हो गया। यूज एंड थ्रो जैसी स्थिति भी इसमें आ गई। इसे बहुत ही ईमानदारी से भी स्वीकार करना होगा। आशुतोष जी फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने अपनी जानकारियां हमें हम तक बांटी और आम जनता की राय से हमें अवगत कराया। बहुत बहुत शुक्रिया आशुतोष जी आपका। सुधीर कावा जी आप हमारे साथ बहुत देर से खामोशी से सुन रहे हैं क्योंकि बात ये है एक ऐसा विषय जो लोग जिस पर बोलने से कतराते हैं जी। समलैंगिक संबंधों पर बात करने से लोगों को परहेज है। समलैंगिक संबंधों से जो लोग रखते थे जैसा कि हम बार बार कह रहे हैं कि नक्षत्र जैसे कम लोग हैं जो फ्रंट पर आते रहे होंगे पहले अब आना शुरू हुआ है लेकिन कांग्रेस ने कांग्रेस के बड़े नेताओं ने जिस तरह से इस मुद्दे पर खुलकर बयान दिए क्या कांग्रेस के नेताओं को ऐसा लगता है? आप एक जमीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं युवा कांग्रेस से जुड़े हुए हैं आपने इलेक्शन लड़ा है आप यूथ कांग्रेस के मेंबर्स जब बनाते हैं आप उनके बीच में जाते हैं आप आम कांग्रेसियों की क्या यही सेम प्रतिक्रिया है जो बड़े नेताओं ने दी है या दोनों के बीच समझ का फेर है? देखिए ऐसा है सलमान जी की समझ समझने में फेर है थोड़े बहुत लोग जो नाराज होते हैं ऐसी सब बातों से मगर कहीं ना कहीं हम ये बताना चाहते हैं आपके माध्यम से कि ये कहीं वोटों की राजनीति नहीं है क्योंकि इनकी संख्या जैसा आप खुद अभी कहा कि उनकी संख्या बहुत ज़्यादा भी नहीं है लेकिन हम संख्या की बात नहीं करते हम सच्चाई की बात करते हैं हम दिल की बातें करते हैं हम अधिकारों की बातें करते कि जैसे हमको अधिकार मिला है वैसे उनको भी अधिकार मिलना चाहिए। मैं नक्षत्र जी से भी सहमत हूँ कि वो लड़ने आए नहीं तो कोई आता नहीं है। ये वो लोग सोचते हैं कि हम कहीं ना कहीं हम अपने आप को छुपाएं ये बताएं नहीं लोगों को मगर नक्षत्र जी जैसे लोग हैं जो अब एकदम खुलेआम आके मंच पर सपोर्ट करते हैं और लड़ रहे हैं और कोर्ट तक जाने की उनकी पूरी योजना बनाए हुए हैं यानी कांग्रेस ने बिना सोचे समझे तो ये निर्णय नहीं लिया होगा लेकिन फिर भी कांग्रेस ने ये निर्णय लिया है कि इस मामले को संसद में ले जाया जाएगा और सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को कहीं ना कहीं बदलने की तैयारी भी उन्होंने दिखाई है और संशोधन का मार्ग निकालने की कोशिश कांग्रेस ने की है। आने वाले दिनों में इसका क्या निर्णय होता है जनता किस तरह से इसे लेती है इस फैसले के खिलाफ जाती है या ये मुद्दा जनता बहुत सीरियसली नहीं भी ले शायद
ऐसी भी स्थितियां बनने की नौबत है। लेकिन अपने संस्कारों से अपनी संस्कृति से जुड़े हुए लोगों की बात अगर करें, हमारे साथ संजय शुक्ला जी की बयान देखिए। संजय शुक्ला जी और नौशाद उस्मान जी बिल्कुल एक सरे की बात कर रहे हैं, इसमें कहीं भी कोई कोताही नहीं, दोनों के कथन में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। यानी समाज जो धर्मावलंबी है, किसी भी धर्म से जुड़े हुए हो, वो इसका विरोध करते हैं। नौशाद उस्मान साहब, क्या ये सच्चाई नहीं है कि सभी धर्म के लोग आपके मंच से आकर और इस मामले में विरोध जता चुके हैं? नौशाद उस्मान साहब, तो पता चल जाएगा कि धर्म के नाम पर जो आपस में लड़ते थे वो लोग, वो एक होकर जो है वो सत्ताधारियों को अपनी जगह बता सकते हैं। ये वोटों की राजनीति है या नोटों की राजनीति है, ये आने वाला समय बता देगा। और एक आश्चर्य है कि आज जो है वो विपक्ष की जो नेता है उसने भी जो है कहा है कि सर्वसम्मति से आप 377 को जो है हटाकर कानून बनाइए। एक बहुत आश्चर्य की बात है, सत्ताधारी और विपक्षी दल भी इसमें शामिल है, बड़े बड़े जो दल है। ये आने वाला समय बताएगा कि यहाँ के जो पादरी है, जो पंडित है, यहाँ के जो उलमा है, वो सब मिलकर जो है इस अनैतिक जो कानून जो ये बनाने का सोच रहे हैं ऑर्डिनेंस के जरिए से, विरोध करेंगे। यानी जो एक आवाम की तरफ से उठने वाली आवाजें हैं, जो धर्म चलाने वाले धर्मगुरु हैं, बिल्कुल वो किसी भी धर्म के हो सकते हैं, वो लोग फ्रंट पर आकर और आपको लगता है कि इस संस्कृति विरोधी निर्णयों का विरोध करते नजर आएंगे आपको लगता है, और जमात में समाज के लोग मांगेंगे? बिल्कुल, देश का इतिहास इसको देखेगा कि ये सारे जो धर्म के नाम पर जो आपस में लड़ते थे, ये सब एक लोग एक जगह पर आएंगे नैतिकता के नाम पर। नैतिकता के नाम पर जब नैतिकता की बात आएगी, नैतिकता की परिभाषा बीच में। जी 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 जी, अक्षय जी, नक्षत्र जी, मुझे लगता है वो उनका जो धर्म है उसके लिए मेरे लिए रिस्पेक्ट है, बट मैं अभी कहना चाहूंगा, मैंने कल भी एक शो में कहा था, ये जो धर्म के लोग हैं उनकी अवस्था है कुएं के जो मेंढक रहती है ना, वैसी हो चुकी है। उनके पास अभी कोई मुद्दा नहीं रहा अपना कर्मकांड करने के लिए। जब इंटरकास्ट मैरिज भारत में आया तभी भी इन्होंने कोशिश की कि उसके रोके, पर आज हर गली में इंटरकास्ट मैरिज है। अब इनके पास दो ही मुद्दे बचे हैं, लिव इन रिलेशनशिप और समलैंगिकता, और इन दोनों मुद्दों पर इनका अस्तित्व टिका हुआ है। और मैं उनको बताना चाहूंगा, वो जो भी थे, कि आने वाला वक्त बताएगा कि भारत का जो नौजवान है वो क्या चाहता है। यहाँ पे कर्मकांड से नहीं, सायन से सब चलता है। ये दोनों भी नहीं बनना चाहिए, इससे धर्म का कोई का मेंढक भी नहीं बने और आवारा जानवर भी नहीं बने। वो ही बन चुके हैं आप। नहीं नहीं, ये मतलब कोई रिलेशन ही नहीं, कोई बंधन नहीं, किसी किस्म की नैतिकता नहीं है, तो आवारा जानवर जैसी एक नैतिकता। आप कौन होते हैं हमारी नैतिकता डिसाइड करने वाले? हम बताएंगे कि आप कौन होते हैं? धर्म तो एक पशु भी नहीं करता है, पशु भी नहीं करता है। नोबडी नीड्स मोरल पुलिस इन द 21st सेंचुरी, माइंड यू, नोबडी नीड्स। आप कौन होते हैं हमारी नैतिकता डिसाइड करने वाले? हु आर यू टू कम इन आवर बेडरूम एंड टेल मी व्हाट आई शुड डू? नक्षत्र जी, संजय शुक्ला जी कुछ कहना चाह रहे हैं आपसे। नक्षत्र जी, कुछ हम आपसे कहना चाहते हैं। जी बताइए नक्षत्र जी। नक्षत्र जी, संजय शुक्ला जी आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं। कहिए कहिए। कोई भी धर्म या समुदाय आपके खिलाफ इसलिए नहीं कह सकता क्योंकि धर्म और समुदाय में आपकी चर्चा है ही नहीं। जी चर्चा नहीं और है, खुशी की बात है। जहाँ तक नैतिकता की बात है, आज अगर समलैंगिकता को अगर हम बढ़ावा दे देंगे तो कल हमारे समाज में कोई प्राणी बचेगा ही नहीं, क्योंकि मनु और स्मृति संस्कृति जो है ये पुरुष और स्त्री के मेल से बना हुआ समाज है, और समाज विकसित होता है पुरुष और स्त्री के मिलने से। अगर समलैंगिक पुरुष बच्चे सिग्नल पे भीख मांगते हैं, अनाथ आश्रम पे जाते हैं और बच्चे कूड़ेदान में लोग फेंकते हैं, ये आपकी संस्कृति की वजह से ऐसी जो सोच तो आपकी समलैंगिकता से क्या होगा? भीख मांगना लोग बंद कर देंगे? मशीन है दोनों। आपकी समलैंगिकता से भीख मांगना लोग बंद कर देंगे? हम भीख नहीं मांग रहे, देश में सबको अमीरी छा जाएगी, सबके बंगले बन जाएंगे। समलैंगिक अगर हो जाएंगे तो उनको सड़कों पर नहीं जाना पड़ेगा, आबादी कम हो जाएगी। हमारे दो पहले टीवी पे प्रोग्राम चलता था, अब हमारा कोई नहीं, हम दो हमारा कोई नहीं है कि हम मुजरिम है, फिर भी मेरे में अभी इतनी हिम्मत है कि मैं कैमरा के सामने हूँ, मैं बोलता हूँ। आप अपने आप को मुजरिम बोल रहे हो, हिम्मत है आप में इतनी? नहीं नहीं, आप अपने आप को मुजरिम बोल रहे हो, मैं तो आपको मुजरिम नहीं बोल रहा ना, ये आपकी इच्छा है। धर्म कहता है ना, आपका धर्म कहता है। हमारा धर्म आपके बारे में कुछ कहता ही नहीं, आपकी चर्चा ही नहीं हमारे धर्म में। अच्छी बात है, मैं आपको बधाई दूंगा इस चीज के कि अच्छा है कि आपका धर्म हमारे बारे में बात नहीं करता। इंसानों के लिए बात करता है, धर्म सब इंसानों के लिए बात करता है। आप इंसान है मेरे भाई, सुनो, आपको अधिकार मिलना चाहिए, तो मानवता का जो अधिकार होता है उसे मानव अधिकार कहा जाता है।
मानवता का अर्थ होता है परिवार। अगर आप परिवार बना ही नहीं सकते, हम भी परिवार बनाने के लिए राजी है ना, कौन ना कहता है, बट हमें चूज करने दीजिए हमें कौन सा परिवार बनाना है। आप नजरअंदाजी मत कीजिए बीच में। एक सवाल का जवाब दीजिए मुझे नक्षत्र साहब, मुझे बताइए भाई और बहने, सगे और भाई और बहने के बीच में ऐसे संबंध रह सकते हैं क्या, मुझे बताइए। नैतिक है अनैतिक बताइए, दोनों सब्जेक्ट बहुत अलग अलग सब्जेक्ट है। नहीं अलग नहीं है, वो कैसे नैतिक है ना, वैसे ये भी अनैतिक है। सपोर्ट नहीं कर रहे सबसे पहले, वो जैसे अनैतिक है ना, ये भी अनैतिक है। आप क्यों दोनों को एक साथ मिला रहे हैं? नहीं नहीं, मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ आपको कि नीतिमत्ता क्या क्या होती है, नैतिकता क्या होती है, आप समझ नहीं पा रहे हो इस बात को। आप ठंडे दिमाग को इतना ज्यादा समझ रहे हैं ना, इतना समझ रहे कि आप दो गलत सब्जेक्ट को एक साथ मिक्स कर रहे हैं। गलत नहीं है, मतलब स्त्री और पुरुष के संबंध की बात हो रही है यार, आपके लिए तकलीफ होगी। नहीं नहीं, पुरुष और स्त्री के संबंधों की बात हो रही है, सगे भाई हो के संबंध जैसे अनैतिक है, माता और बेटे के जैसे संबंध अनैतिक है, इस तरह से वैसे भी ये संबंध है पुरुष पुरुष से। जवाब दीजिए, समलैंगिकता को सिर्फ शारीरिक संबंध तक क्यों लिमिट रखा जाता है? तो फिर भाई बहन नहीं, तो फिर प्रेम तो भाई बहनों में भी होता है, भाइयों भाइयों में भी होता है, बहन बहन में भी होता है, तो फिर आप उसे कार्यक्रम क्यों दे रहे हैं? संबंध हो सकता है जी, किसने कहा कि समलैंगिकता में शारीरिक संबंध हो सकता है? हो सकता नहीं, नहीं। है, हो सकता है, शारीरिक संबंध भी हो सकता है, मानसिक संबंध भी हो सकता है, और दोनों होता है। नहीं नहीं, हम शारीरिक संबंध अगर नहीं है तो हम समलैंगिक ही नहीं मानते, हम समलैंगिक ही नहीं मानते, मानसिक संबंध होता है। नहीं शारीरिक संबंध अगर नहीं होता है तो हम समलैंगिक ही नहीं हुआ भाई। मतलब आप अगर प्रेम करें, अगर आप समलैंगिक होकर एक दूसरे से प्रेम करें तो उसमें कोई विवाद नहीं है, क्योंकि प्रेम पशु से भी किया जा सकता है। भाई भाई की तरह प्यार करें एक दूसरे से इंसान, लेकिन मानसिक और शारीरिक संबंध बनाने के लिए आप समलैंगिकता करेंगे तो वो तो वो आपकी सोच है, प्लीज वो आपकी सोच है। आपने कहा, मैंने नहीं कहा, आपने कहा। आपकी आपकी सोच में ही खोट है कि आपको लगता है हर कुछ सेक्स रिलेटेड है, इसलिए आपको ऐसा लगता है। आपने कहा, मैंने कहा समलैंगिकता सेक्स रिलेटेड नहीं है, वो ज्यादा से ज्यादा मानसिक अट्रैक्शन है और उसके बाद वो सेक्स के बारे में होता है। आपको जो लगता है समलिंगता के बारे में वो बहुत गलत जानकारी है। यानी समलैंगिक संबंधों में सिर्फ पहले मानवीय रिश्ते और भावनात्मक रिश्तों को महत्व दिया जाता है, शारीरिक रिश्ते बाद में आते हैं। नक्षत्र जी आप ये कहना चाहते हैं, नक्षत्र जी आप यही कहना चाहते हैं, इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन, पर्सन टू पर्सन। हम जमात इस्लामी से जुड़ी हुई एक महिला विंग की सदस्य से भी जुड़ना चाहेंगे टेलीफोन लाइन पर। नौशाद उस्मान साहब, आपका फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम दोबारा किसी दिन आपको जरूर स्टूडियो में इस विषय पर बुलाएंगे और आपसे चर्चा करेंगे, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ऐसी परिस्थितियों में जब नक्षत्र जैसे लोग इस विषय पर खुलेआम अपनी बात रख रहे हो, सामाजिकता के और धर्म की बात करने वाले लोग पूरी तरह से उनके तर्कों को खारिज न कर पा रहे हो, समाज का एक बड़ा तबका, एक बड़ी पार्टी के लोग उनके समर्थन में खुलकर आ रहे हो, ऐसे में समाज के लोगों को भी सोचना होगा कि बात बिगड़ रही है तो कहां, और अगर बन सकती है तो कहां से। ऐसे में समाज के अन्य लोगों के बीच जाने की भी हमारी तैयारी होनी चाहिए। हमारे साथ इस बीच डॉक्टर प्रिया पड़वल जी भारतीय जनता पार्टी की जुड़ी है, आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रिया जी। प्रिया जी, जी नमस्ते। प्रिया जी तक हमारी बात जाए उससे पहले उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है, हम उनके पास जाएंगे। लेकिन सुधीर कावा साहब, जो हम बात कर रहे थे कि यूथ कांग्रेस के बीच जब आप जाते होंगे, उनके बीच, उनके कार्यकर्ताओं के बीच जाते होंगे, जब आप समाज में संजय शुक्ला जैसे लोगों को पाते होंगे, संजय शुक्ला भी समाज का एक अंग है, इसे प्रतीक मान लें कि इन जैसे कार्यकर्ता भी आपके बीच में होंगे जी, जब उनके बीच में जाएंगे और जब पाएंगे कि वो आपके नेताओं के खिलाफ हैं, वो नक्षत्र की भावनाओं के खिलाफ हैं, वो सुधीर कावा की भावनाओं के खिलाफ हैं, तो कैसे वो आपके साथ जुड़े रह पाएंगे और कैसे आपकी अपनी पार्टी की नीतियों को आगे बढ़ाने के लिए काम करेंगे? ये तो पहले कार्यकर्ताओं की फौज की बात हुई, बाद में वोट लाने की बात और मतदाताओं की बात हुई, समाज की बात हुई, तो ये समाज में जाने पर क्या आप लोगों का पर उंगलियां नहीं उठती होंगी, बताएं। देखिए सलमान जी, उंगलियां तो हमेशा उठती है, उनका उंगलियों को काम ही वही दिया गया है आज के दौर में कि एक दूसरे पे उंगलियां उठाए, मगर इसका मतलब ये तो नहीं कि कहीं ना कहीं हम किसी को पीछे छोड़ दे। जब हमारी पार्टी की विचारधारा है कि हमको सबको लेके चलना है, सब
नहीं कि उसी में सिर्फ जात और प्रांत के हिसाब से नहीं होता, इसमें लोगों की भावनाओं के हिसाब से भी देखा जाती है। और नक्षत्र जैसे लोग हैं, जो ऐसे लोग हैं जो उनकी विचारधारा है, उनको वो चाहते हैं कि उनकी ये मांग पूरी हो जाए। और हाई कोर्ट ने पहले इसे आदेश दिया था, मगर सुप्रीम कोर्ट ने, किसी ने उसके ऊपर चैलेंज देकर, अभी जो सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है कि ये क्राइम है, इट इज लाइक अ क्राइम, मैं इस चीज से बिल्कुल नाराज हूँ। और सुप्रीम कोर्ट को समझना चाहिए था, उनकी आवश्यकता थी कि वो एक बार, एक जो बड़ी संख्या में नहीं है मगर थोड़े बहुत लोग हैं, मगर वो अपने अधिकार चाहते हैं, वो अपने तरीके से परिवार बनाना चाहते हैं। शुक्ला जी बता रहे थे कि परिवार से ही सब कुछ समाज चलता है, मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि हस्बैंड एंड वाइफ और बच्चे, इसी को परिवार कहते हैं क्या? परिवार का उदाहरण यही है कि बच्चे होंगे तो ही परिवार है, नहीं तो परिवार है ही नहीं। या हस्बैंड एंड वाइफ, ऐसे भी कई लोग हैं, अगर आप सलमान जी रेशो निकालेंगे कि हस्बैंड एंड वाइफ ये उनके कोई, हाँ। आते हैं आपके पास, हमारे साथ दिल्ली से ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी से की महिला विंग की सदस्य हमारे साथ जुड़ी है, नीता मिश्रा जी। मिश्रा जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। आप नीता जी, ये सोनिया जी समलैंगिकता पर हाईकोर्ट के निर्णय को पलटते हुए जब सुप्रीम कोर्ट का बयान आया, इससे कहीं ना कहीं कांग्रेस के बड़े नेताओं ने इसके प्रति नाराजगी जताई, वो क्या कारण हो सकते हैं? मानव अधिकार से जुड़े हो सकते हैं, या फिर समान अधिकार की बात हो सकती है, या फिर लोगों की बातें हो सकती हैं, तो वो क्या चीजें थी आपके नेताओं के दिमाग में, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय के खिलाफ नाराजगी जताई? और दूसरा, जब आप लोग आम लोगों के बीच जाते होंगे तो इस पर क्या प्रतिक्रिया आप लोगों को मिलती है? नीता जी देखिए, मैं ये कहना चाहूंगी कि जब भी कोई ऐसा सामाजिक परिवर्तन होता है तो आसानी से लोग उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते, और कहीं ना कहीं लोगों में एक ऐसी इच्छा रहती है कि जैसे समाज चल रहा है वैसे ही चलता रहे। तो ये जो समलैंगिक रिश्तों की बात उठी है, ये आज से नहीं, ये तो 18वीं 19वीं सदी में भी ये हो रहा था, और कई ऐसे देश हैं जिन्होंने इसको पहले पहचाना, और जो जिसको कहते हैं LGBT कम्युनिटी, इसको उन्होंने राइट्स दिए, और कई ऐसे एडवांस्ड कंट्रीज हैं जिन्होंने बहुत पहले इसको इस राइट को माना। देखिए, कई ऐसे कई साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स भी हो चुके हैं, और साइंटिफिकली प्रूवन भी है कि ये इस व्यवहार में, इस रिश्ते में ये बड़ा नेचुरल है। तो जब ये अननेचुरल सेक्स करके जब इसको बोला गया, कहा गया, तो वो एक समय था 19वीं सदी में जब ऐसे कोई वैज्ञानिक रूप में इसको प्रूव नहीं किया गया था। इसी तरह से मनोवैज्ञानिक रूप में भी इसको माना जाता है, ये एक तरह की मानसिकता होती है जी, यानी तो अगर इसे मैं समझती जी 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 नीता जी बोले, मैं समझती हूँ कि ये एक ऐसी मानसिकता है, और ये फिजिकली इसमें कहीं ऐसा कुछ अननेचुरल नहीं है, कोई विधि के खिलाफ नहीं है, ये प्रकृति के खिलाफ नहीं है। इसलिए अब समय आ गया है कि हम लोगों को भी इसको एक जो जो इस जिस रूप में ये है, इसको कहीं ना कहीं हमें भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा। नीता जी हमारे साथ संजय शुक्ला जी जुड़े हैं। हमारे यहाँ कहा जाता है, सामाजिक परिवर्तन की तो आपने बात की, हमारे यहाँ कहा जाता है दिन नष्टम कुभोजनम जन्म नष्टम कुभार्या। दिन नष्ट हो जाता है खराब भोजन खाने से, अगर आप घर से निकल रहे हैं और अस्वादिष्ट खाना आपने खा लिया तो आपका पूरा दिन नष्ट हो जाता है, और आपका जन्म नष्ट हो जाता है कि आपकी कुभार्या हो जाए, जो आपकी स्त्री है, जो आपकी पत्नी है, अगर वो कुभार्या हो जाए तो आपका पूरा जन्म नष्ट हो जाता है। तो आप यहाँ पति पत्नी का विचार ही कहाँ रहा जो दिन नष्टम कुभोजनम और जन्म नष्टम कुभार्या हम कहेंगे? देखिए संजय जी, आपकी और आप जैसे कई लोगों की भावनाओं का भी हम लोग समर्थन करते हैं, ऐसा नहीं है,
नहीं, भावनाओं का समर्थन करने की बात नहीं है। हम अपने बच्चों को क्या शिक्षण देंगे? आज अगर मेरे पास लड़का है, कल जाके वो लड़की बन जाए, मेरे पास लड़की है वो कल जाके लड़का बन जाए, तो आप हमारी भावनाओं का क्या करेंगे? भावनाओं का काम संजय जी, नेताजी को बोल ले। संजय जी मुझे मौका दीजिए, कॉन्स्टिट्यूशन की स्पिरिट। जी नेताजी, नेताजी बोलिए। मैं यहाँ ये कहना चाहूंगी, लोगों की भावनाएं जो हैं उनका पूरा पूरा ख्याल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन संविधान में भी रखा गया है, और संविधान की जो स्पिरिट है उसको हमें ध्यान में रखना है। जो अगर आज बात इनको इनको हक देने की, इनको अधिकार देने की हुई है, तो वो संविधान से परे नहीं है, संविधान के अंदर ही हम रह करके उनको उनका हक दिलाना चाहते हैं। और जहां तक कांग्रेस पार्टी की बात है, कांग्रेस पार्टी ने तो हमेशा ही जो मूल अधिकार है, चाहे कोई भी वर्ग हो, उसको वो अधिकार देने की बात हमेशा से करी है। जी नेताजी, हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी डॉक्टर प्रिया पड़वल जी भी जुड़ी है। प्रिया जी, आप कुछ कहना चाहेंगी? ये कहना चाहती हूँ कि ये जो सेक्शन 377 है, वो ये कहा गया है उसमें कि जो संबंध है जी, मेल और फीमेल का संबंध है, वो माना जाता है अपनी सोसाइटी में, बट जो सेम संबंध होगा उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाता है, और उसके लिए अपन पनिशेबल भी किया जाता है, 10 इयर्स का इम्प्रिजनमेंट है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट है। जी और प्रिया जी, ये 377 आईपीसी कब बना था ये बताइए? आईपीसी 377 कब बना था? क्या तब में और अब में समय में कोई फर्क है? जरूर है। मैं भी मेरा सुनिए तो सही, आप मेरी बात ही सुन नहीं रहे हो तो मैं क्या बताऊँ आपको? जी बताए। और दिल्ली हाईकोर्ट ने एक जजमेंट डिलीवर किया था NAZ versus NCT, उसमें कहा गया है कि होमोसेक्सुअलिटी इज नॉट अ डिजीज और अ डिसऑर्डर, इट इज जस्ट अनदर एक्सप्रेशन ऑफ ह्यूमन सेक्सुअलिटी एंड देयरफॉर कंसेंशियल सेक्सुअल एक्ट ऑफ एडल्ट्स इन प्राइवेट इज वायलेटिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। अपने को कॉन्स्टिट्यूशनल राइट दिया गया है 14, 15, 21, इक्वेलिटी है, लिबर्टी है, फिर डिस्क्रिमिनेशन वो सब के ये करते हुए भी एक जजमेंट दिया गया था तब। और अब मैं भी यही कहती हूँ कि इस मॉडर्न सोसाइटी में हम लोगों ने बहुत सारा वेस्टर्न कल्चर को ले लिया है, उसके हिसाब से आज जो व्यक्ति है वो चेंज होता जा रहा है, और उसके लिए ये मॉडर्न सोसाइटी में एवरी इंडिविजुअल हैज अ राइट, हैज अ फ्रीडम ऑफ चॉइस टू डू व्हाटएवर ही लाइक्स टू डू, बट देन आई विल नॉट से मोर देन दिस एनीथिंग, बिकॉज माय पार्टी हैज डिसाइडेड दैट व्हाटएवर जो भूमिका कांग्रेस सरकार लेगी पार्लियामेंट में, उस हिसाब से हम चलेंगे। अच्छा, पार्टी टू पार्टी रिलेशन पर निर्णय होगा कि अगर कांग्रेस जो निर्णय लेती है भारतीय जनता पार्टी उस हिसाब से सोचेगी? अच्छा, दोनों दो खासकर नीता जी, एक और मुद्दा बड़ा गंभीर विषय और भी है, आपकी भी जानकारी के लिए बता दें, प्रिया जी के लिए भी, और स्टूडियो में बैठे हुए हमारे सहयोगी जो साथी हैं सुधीर जी और संजय जी को भी। एक जमात इस्लामी ने अभी पिछले दिनों एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए, इसी का एक्सटेंशन है, लिव इन रिलेशनशिप के खिलाफ आवाज उठाई थी। एक महिला और हमारे साथ जुड़ गई है, टेलीफोन लाइन पर है हालांकि, वो बुशरा सिद्दीकी जी। आप चूंकि महिलाएं इस विषय पर और खूबसूरती से अपनी बात को रख सकती हैं, लिव इन रिलेशनशिप पर क्या भावनाएं लोगों की हो सकती हैं, ये हम आपके पास आते हैं। बुशरा जी, आप बताएं कि इस लिव इन रिलेशनशिप, जैसे एक तो समलैंगिकता की बात हो रही थी और दूसरा एक मुद्दा लिव इन रिलेशनशिप का आया, रिश्तों की कश्मकश में क्यों है इंसान और भारतीय समाज, क्या लगता है आपको? देखिए, नाम तो मेरा बुशरा नाहिद है जी। और ये जो फैसला हुआ है लिव इन रिलेशनशिप के ताल्लुक से, ये इंसानियत को खत्म करने वाला है, और ये महिलाओं पर सरासर अत्याचार है, जुल्म है ये, और इस तरह के जो रिलेशन से जो नस्ल पैदा होंगी, जो बच्चे पैदा होंगे, उनके ऊपर भी जुल्म है, इसका हम सभी ने विरोध करना चाहिए। ये भारतीय जो कल्चर है, इतिहास में भी इसको देखा जाए तो ये सरासर गलत है, ये एक वेस्टर्न कल्चर की तहजीब को अपनाना है, जिससे वो लोग, हम खुद देख रहे हैं कि आज कितने परेशान है, वो खुद अपनी ये जो चीज लिव इन रिलेशनशिप के जो संगीन नतायज आज भुगत रहे हैं, तो वो इससे बाहर आना चाहते हैं। और हम मिश्रा जी, इसमें बच्चे पैदा नहीं होंगे, बच्चे तो अडॉप्ट किए जाएंगे, इतने बच्चे जो फेंक दिए जाते हैं सड़क पे, हमारे अस्पतालों के बाहर ऑर्फन्स में पड़े रहते हैं, उन्हें अडॉप्ट किया जाता है। आसान है शादी, लेकिन इसको बंधन बना दिया गया, और एक जन्म नहीं बल्कि जन्मों जन्मों का बंधन।
तो इस तरह का, और ये दहेज और हुंदे की रस्में, तो इसकी वजह से भी शादियां मुश्किल हो गई है। तो माँ बाप को दिए जा रहे हैं कि हमारी बच्चियों का इस तरह से लिव एंड होता है तो हमारी भी इसमें बेहतरी है, हमको भी सुकून होगा। तो ये इसके खिलाफ सभी ने आवाज उठाना चाहिए। तो होने दो भाई, आपको क्या प्रॉब्लम है? हम अपने अतिथियों का बताना चाहें, एक ग्राफिक के माध्यम से जमाते इस्लामी के चंद मुतालबात है जो जमाते इस्लामी के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद निकले थे, वो हम अपने दर्शकों को और अपने पैनलिस्ट को दिखा देते हैं, सुना देते हैं और फिर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। देखते हैं कि जमात इस्लामी के वो क्या मुद्दे थे, खासकर लिव इन रिलेशनशिप को लेकर। इस पर हम आते हैं और फिर हमारे इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। पारिवारिक समूह होगा विघटित, सामाजिक संरचना टूटने की कगार पर, पश्चिम सभ्यता की गलत नकल। भारत में मिल चुका है कानूनी दर्जा, बिना शादी के ही जायदाद में हिस्सेदारी, धार्मिक संगठनों का है विरोध। सुप्रीम कोर्ट से संसद को हिदायत देने की अपील, कुदरत के वसूलों के साथ खिलवाड़ का आरोप। इंसानी रिश्तों के बजाय हो जाएगा जंगल राज, विवाह एक सामाजिक आवश्यकता और इंसानी जरूरत। वैवाहिक रिश्तों से हटना अर्थात सामाजिक पतन, भारतीय सभ्यता को तहस नहस करने की साजिश। यूरोपीय देशों में अवैध संतानों की भरमार, लिव इन रिलेशन कंसेप्ट विदेशी साजिश। सुप्रीम कोर्ट से इस प्रथा को गैर कानूनी दर्जा देने की मांग, फिल्मों के योगदान से इनकार नहीं। ये वो मुद्दे थे जो जमात इस्लामी ने लिव इन रिलेशनशिप पर उठाए थे। कुछ कई तकनीकी कारणों से हमारे साथ कुछ अतिथि देर से जुड़े, कुछ लोग अपनी बातों को रखते नजर आए। उषा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर जुड़ी। हम जरूर इस विषय पर आपसे एक बार फिर स्टूडियो में भी बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। चलते चलते मीता जी, जब ये कुछ मुद्दे जो नेशनल लेवल पर चर्चा का विषय बने, हमारे साथ नक्षत्र भी है, नक्षत्र भी बहुत कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन चलते चलते आपको लगता है कि आने वाले दिनों में इन दोनों मुद्दों का, वो समलैंगिकता और लिव इन रिलेशनशिप के, इन दोनों रिश्तों की कश्मकश का क्या राजनीतिकरण देख रही हैं आप भविष्य में? नहीं, मैं नहीं समझती कि ये रिश्ते जो हैं ये राजनीतिकरण इनसे होगा। ये सामाजिक मुद्दे ज्यादा बड़े हैं ये, और इसमें ऐसे कोई भी मुद्दों में समय लगता है। बहुत जल्दी अगर हम सोचें कि किसी निष्कर्ष पे पहुंच जाएं तो मुझे नहीं लगता, ये धीरे धीरे समाज इनके बारे में सोचे, विचारे और निर्णय पर पहुंचे। जी जी जी, अब और सब कुछ समाज पर डिपेंड करता है और होना चाहिए। जी जी, उस समाज पर सब कुछ डिपेंड करता है। नक्षत्र जी, चलते चलते आप क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि हमें पता है कि जो स्ट्रगल है वो बहुत बड़ा है और लंबा है और हम उसके लिए तैयार हैं, पर जो भी समाज के लोग हैं, जो हम, मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, एक तो एक्सेप्ट कीजिए या फिर इग्नोर कीजिए, पर आप सच्चाई से भाग नहीं सकते। कितना भी कोशिश कीजिए बट आप हमें रोक नहीं सकते। यहाँ तक आए हैं, अपने राइट्स लेके ही जाएंगे, अब आप कोई भी हमें रोक नहीं सकता। जी, डॉक्टर प्रिया पड़वल जी, पड़वल मैम। हाँ बोलिए जी, आप क्या कहना चाहेंगी? मैं कहना चाहूंगी कि आज की सोसाइटी में वेस्टर्न सोसाइटी को बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता है, और उस हिसाब से ये जो मॉडर्न सोसाइटी है वो उस हिसाब से चलती है। आज कपड़े पहनना, वो आप सब जब देखेंगे तब आपको मालूम पड़ेगा कि किस तरीके से अपनी सोसाइटी भी उसको कैप्चर करती है वेस्टर्न कल्चर। आपको लगता है कि हम पाश्चात्य संस्कृति को बहुत ज्यादा 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 हाँ ज्यादा आने वाले दिनों में इसके नुकसानदेह नतीजे आ सकते हैं? यस, हाँ। जी जी जी, नीता जी कुछ कहना चाह रही हैं आप? जी, बस एक बात और मैं ये कहना चाहूंगी कि कोई भी सामाजिक मुद्दा अंततोगत्वा पार्लियामेंट में रिफ्लेक्ट होता ही होता जी, है जी, और वहाँ पे समाज के हर वर्ग का प्रतिनिधित्व होता है। तो मुझे लगता है ये जो मुद्दे होते हैं इनको पार्लियामेंट में जरूर डिस्कशन का एक मौका मिलना चाहिए। जी, पार्लियामेंट में इस मुद्दे को ले जाने की तैयारी कांग्रेस ने जरूर दिखाई है, और कांग्रेस ने जो चंद लोग इस मामले पर सबसे आगे आए उसमें कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं का समावेश रहा, सोनिया गांधी जी ने और राहुल गांधी ने और उन सहित मिलिंद देवरा, प्रिया दत्त, कपिल सिब्बल जैसे कई नेताओं के
इस मामले में बयान आए हैं। नक्षत्र ने उन लोगों का आभार भी माना है। चलते चलते शुक्ला जी, जिस परिभाषा की, जिस सामाजिक संरचना की बात आप कर रहे थे, आपको क्या लगता है कि वो उन्हें सहेज कर रख पाएंगे आप लोग, या सब कुछ कुछ अलग दिशा में जाता हुआ आपको लगता है? अब जिसे हम धर्म गुरु अपना मान बैठे हैं, जब वही जिन्हें अपने धर्म का बोध नहीं है, जैसे कि रविशंकर जी ने कहा कि अय्यप्पा स्वामी भगवान विष्णु और शंकर की संतान है, जबकि वो माता पार्वती और भगवान शंकर की संतान है, जब उन्हें ही अपने धर्म का ज्ञान नहीं है, उन्हें हमने धर्म गुरु मान लिया है, तो हमारा समाज अब उसे कोई बचा ही नहीं सकता। यानी आपको लग रहा है कि समाज अधोपतन की तरफ जा रहा है? जब ऐसे गुरु रहेंगे तो चले भी अभाव है। इस चर्चा को जरूर फिर हम इसी तरह से आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे किसी और दिन, किसी और समय, किसी और अपने इसी कार्यक्रम में। नीता जी आपका, प्रिया मैडम आपका, नक्षत्र जी आपका, सुधीर साहब आपको थोड़ा कम बोलने को मिला लेकिन आपने अपनी बात को बहुत खूबसूरती से रखा, संजय शुक्ला जी आपका, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और मुद्दे की बात में एक ऐसे विषय पर चर्चा करने के लिए जो समाज से जुड़ी हुई है, समाज के उस तबके को नक्षत्र की इस बात में दम है कि आप उनसे भाग नहीं सकते, आप उस पर चर्चा कीजिए। नीता जी ने सही कहा कि इस पर संसद में बहस होना जरूरी है और हम उम्मीद करते हैं कि इसके सही नतीजे सामने आएंगे। मुद्दे की बात में सलमान को और मुद्दे की बात की पूरी टीम को और मेरे तमाम अतिथियों को दीजिए इजाजत, लेकिन देखते रहिए लेमन न्यूज़।